स्टेशन रोड स्थित गायत्री मंदिर में बीना जिला बनाने की मांग को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त ICST कंप्यूटर सेंटर PGDCA DCA एवं MSc BCA सहित अन्य कंप्यूटर कोर्स के लिए प्रवेश प्रारंभ है, जल्द कीजिए। हमारा पता है हनुमान मंदिर के बाजू में, स्टेशन रोड बीना। दरअसल 4 सितंबर को बीना में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हो रहा है और चर्चाएं यह भी है कि मुख्यमंत्री 4 तारीख को बीना को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं। करीब 40 वर्षों से चली आ रही बीना को जिला बनाने की मांग अब अपनी चरम सीमा पर है, जहां एक ओर गांधी तिराहे पर करीब 48 दिनों से स्थानीय युवाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं बीना को जिला बनाने की मांग को लेकर स्टेशन रोड स्थित गायत्री मंदिर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने कल यानी 2 तारीख को बीना को जिला बनाने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकालने और मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने की बात रखी है। जी, आज 48वां दिवस है बीना जिला बनाओ का आंदोलन का। आज हम लोग सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक एवं सभी मित्र बंधु भारी मात्रा में गायत्री मंदिर शक्तिपीठ पहुँच के हम लोगों ने बैठक ली है कि कल दिनांक 2 सितंबर को गांधी चौराहे धरना स्थल पर सभी नगरवासियों के साथ इकट्ठे होके हम लोग पैदल मार्च करते हुए तहसील परिसर में SDM साहब को जिला बनाने एवं नहर संबंधी परियोजनाओं से खेतों को जोड़ने के लिए मांग ज्ञापन देने वाले हैं। जी देखिए, बीना जिला बनाओ की मांग जो है पिछले 40 वर्षों से चल रही है और ये मांग जो है सर्वदलीय रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी हमारे बीना क्षेत्र के बीना विधानसभा के जो रहवासी है, जिनकी जन्मभूमि है, वो समय समय पर बीना को जिला बनाओ के बनाने के लिए मांग करते आए हैं। उसी विषय में संदर्भ में ये आज बैठक थी, जिसमें सभी लोगों के सुझाव लिए गए कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मोहन यादव जी जो आ रहे हैं 4 तारीख को, उनसे हम अपनी बात कैसे रख पाए कि हमारे क्षेत्र को हमारा हक अधिकार मिल सके और बीना को जिला बना सके। 40 वर्षों से जो बीना को जिला बनाने की मांग चली जा रही है, उसको लेकर बीना जिले के सभी पत्रकार, कांग्रेस जन, भाजपा और सर्वदलीय लोग यहां पर इकट्ठे हुए थे, जिस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 4 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बीना आ रहे हैं। और हम सब ने ये फैसला किया है कि बीना में जिस प्रकार उनके आगमन से पहले बीना जिले के बीना के वासियों को बीना जिला की बात की जा रही है पब्लिक इकट्ठी करने के लिए, यदि बीना जिला नहीं बनता है तो इस बैठक में ये तय हुआ है कि उस सभा का बहिष्कार करेंगे, मुख्यमंत्री जी का बहिष्कार करेंगे। और सभी लोगों ने ये तय किया है कि यदि बीना को जिला बनाने की घोषणा नहीं होती है तो अमल नहीं तो कमल नहीं का नारा इस बीना में गूंजेगा और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाएगा। वैसे तो बीना को जिला बनाने की मांग करीब 40 वर्षों से की जा रही है और ये सपना दिखाया है प्रदेश के 5 मुख्यमंत्रियों ने, जिसकी वजह से आज भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गांधी तिराहे पर बीना को जिला बनाने की मांग को लेकर करीब 48 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन गायत्री मंदिर में की गई, जिसमें सभी पार्टी के लोग और आम लोग भी यहाँ बैठक में शामिल हुए और लोगों ने अपनी बात रखी है कि कल यानी 2 तारीख को जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और SDM को बीना जिला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बीना से राम कुमार के साथ अशफाक अंसारी की रिपोर्ट।